यहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ जो उस वक्त जब इस जब यहाँ पे शराब बनाई जाती थी तो वो जो टब था जहाँ पे उसको मिक्स किया जाता था वो अभी भी मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में और मेरे अकब पे आपको जो बिल्डिंग के कुछ खंडरात नज़र आ रहे हैं ये 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाई थी। ये बिल्डिंग मरी ब्रूरी की पुरानी फैक्ट्री है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शराब की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस फैक्ट्री को कायम किया था। तो मैं आज आपको इस जो बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है जो खंडरात रह गए हैं इस सारे का विज़िट करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आज ये किस हाल में है। तो आइए इसका विज़िट करते हैं और इस सारी फैक्ट्री को दिखाता हूं मैं आपको, आ जाए मेरे साथ। उस वक्त जब इसको तमीर किया गया तो बताया जाता है कि इसको चूना और छोटे जो पत्थर होते हैं उनका एक मिक्सचर बना के इसको तामीर किया गया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है काफ़ी मजबूत मटेरियल है। और देख सकते हैं कि ये नीचे कोई कमरे थे, कोई बेसमेंट था, ये जो कमरे थे नीचे कोई, ये ऊपर से टूट गई है बिल्डिंग सारी। और अभी देख सकते हैं आप कि ये कोई ऊपर पहली स्टोरी हुई होगी, ये नीचे दूसरी और ऊपर जो है ना उसकी तीसरी स्टोरी थी, बेसमेंट को मिला। तो ये इसका मेन एंट्रेंस थी, यहाँ पे ये आर्चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेन एंट्रेंस हुई होगी। और ये जैसे यहाँ पे जो जैसे पहाड़ बना हुआ है, जो पहाड़ था उसी तरह इसको तामीर किया गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाती है। तो मैं इस सारे का आपको विज़िट करवाऊँगा, मैं दिखाऊँगा। तो अभी क्योंकि अदम तवज्जो का शिकार है, इस तरफ गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो ये बिल्डिंग दिन ब दिन खस्ता हाल हो रही है, गिर रही है। तो ये भी बेसमेंट था, ये रिहायशी कमरे थे कोई इनके, और ऊपर क्योंकि फैक्ट्री थी और फैक्ट्री का जो काम होता था वो सारा इधर ऊपर होता था और इसके ऊपर भी कमरे थे। तो ये आप दरवाजे देख सकते हैं, ऊपर आर्चीज बनी हुई हैं। तो बताया जाता है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई तो क्योंकि ये यहाँ पे शराब बनाई जाती थी और फिर ये यहाँ पे मुसलमानों ने आग लगा दी इस फैक्ट्री को, और जो क्योंकि छत इसके सारे वुड के बने हुए थे, वुडन बीम्स थे, वो जल गए और वो गिर गए छत सारे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बिल्डिंग खस्ता हाल होती गई और ख़राब होती गई। तो चलते हैं साथ साथ सारी बिल्डिंग का विज़िट करते हैं हम। और ये ख़ास बात, ये सामने देख सकते हैं आप उस वक्त कैसा व्यू आता होगा सामने, आप कश्मीर तक आपको जो है ना कश्मीर रेंज जो है उस तक पहाड़ आपको नज़र आते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर मेन एंट्रेंस दिखाई थी, उसी मेन एंट्रेंस के नीचे ये जो बेसमेंट थे ये उनको उनका रास्ता था बाहर आने का। ये देखें आप, वो जो सामने ऊपर बेसमेंट थे वो अब बंद हो चुके हैं, राइट लेफ्ट जो रूम्स थे वो भी बंद हो चुके हैं और क्योंकि मिट्टी काफ़ी आ चुकी है, ये उसका रास्ता था बेसमेंट का। बेसमेंट को भी वेंटिलेशन का उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था उसका। वो देखें आप, वो ऊपर तक ये सारी एक ही फैक्ट्री का पार्ट था। यहाँ से ये देखें, मैं आपको अंदर की साइड का इसका व्यू दिखा रहा हूँ कि ये अब किस हाल में है। जब बताया जाता है कि जब ये आग लगी और ये फैक्ट्री जब गिरी तो लोगों ने इसके अंदर से काफ़ी जो सामान लगा हुआ था वो उतार लिया है, क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा ही खूबसूरत बनाया था अंदर से। और ये अब आधे बेसमेंट, आधे से ज़्यादा बेसमेंट जो है ना रबल से भरे हुए हैं, वरना ये काफ़ी लगता है कि काफ़ी नीचे तक इनको बनाया गया है। तो अब यहाँ पे लोग कूड़ा करकट और
सारा जो है ना वो फेंकते हैं। तो ये विंडो थी और यहाँ पे अब आप देखें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये एक हमें टावर नुमा जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये भी इसी का ही पार्ट है बट लेकिन ये नहीं पता यहाँ पे क्या किया जाता था। ये पूरा एक प्रोसीजर होता था, जब यहाँ पे शराब बनाई जाती थी तो ऊपर से पाइप के ज़रिए नीचे उसको बना के नीचे लाया जाता था। यहाँ से मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, ये ऊपर जो आपको हर चीज़ नज़र आ रही हैं केव सी बनी है, ये केव दिखाता हूँ। और इसको देखें आप कि कितनी हाइट है इसकी, और अभी तक ये ऐसे ही खड़ी है। ये वो टनल नुमा केव्स हैं जो नीचे से नज़र आ रही थी। अब इसको जो है ना इसके ऊपर ये देखें घन वेजिटेशन, और ये इसका पार्ट, ये आगे जो टावर फ्रंट से दिखाया था मैंने, और ये वो मेन इंट्रेंस जो मैं आपको दिखा रहा था नीचे से, ये उसकी अब बैक साइड हम यहाँ से देख सकते हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट होती थी, तो आप देखें ये जो ये सारा फैक्ट्री ही थी। अब इसके मैं इधर ऊपर चलता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ जाके, ऊपर से आप इसका व्यू दिखाता हूँ। अब इस फैक्ट्री में कुछ लोग रहते भी हैं, फैक्ट्री में तो नहीं रहते, फैक्ट्री के साथ कुछ खेमे लगा के रह रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इसके साथ साथ रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ जो है, लेकिन मैं जो जहाँ तक मेरी एक्सेस हुई मैं आपको सारा दिखा दूँगा। अब मैं ऊपर चलता हूँ और आपको जो बिल्कुल जहाँ से रोड के साथ स्टार्ट होती है फैक्ट्री, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन चले हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टनल दिखाता हूँ जो हिडन टनल है, और ये टनल अभी तक सामने नहीं है, मैं अभी आपको दिखाने लगा अपनी वीडियो में। ये देखें हिडन टनल, और ये काफ़ी साफ़ है। इसके अंदर तक भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर एक छोटा सा रास्ता जा रहा है जो लगता है कि शायद आगे किसी ज़माने में रास्ता हुआ हो। अब चूंकि वो बंद है मैं भी अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं उस ज़माने में कैसी कंस्ट्रक्शन की गई, और ये हाफ टनल जो है नज़र आ रही है, बाकी बंद है। इसका स्ट्रक्चर देखें आप कैसे बनाया गया है, और इसका जो अपर पोर्शन है मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप कि ये दीवारें तो गिर चुकी हैं, लेकिन इसको देख के यही लगता है कि ये जो है ना यहाँ तक थी और फिर वो दूसरी साइड थी, लेकिन ये वाली जो साइड है नीचे वाली खासकर, ये उसका मेन हॉल था, और ये वाला और इसके साथ वाला ये उसके सबसे बड़े मेन हॉल हुआ करते थे। इसके साथ साथ ही इसमें जो है ना स्टेप बाई स्टेप मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप देखें अगर यहाँ पे जो सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, इसको कैसे तराश के काट के बनाया गया, और ये अभी तक इतने अरसा गुजरने के बावजूद, तकरीबन 125 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये दीवार खड़ी है। लेकिन अगर ये ऐसे ही रही तो वो वक्त दूर नहीं कि जब ये बिल्कुल गिर जाएगी और इसके असरात भी नहीं बचेंगे। तो लेकिन उस वक्त बनाने वालों पे देखें कितनी खूबसूरत इसको इसकी आर्चेस बनाई गई हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाई गई हैं, और कितनी हाइट के साथ बनाई गई है। ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची, आप देख सकते हैं इसकी हाइट अभी यहाँ से अगर इसको देखें तो तकरीबन 50-60 फुट इसकी हाइट होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इसकी ज़मीन थी, ये इससे भी नीचे थी। ये तो मिट्टी, क्योंकि खुली जगह रही है मिट्टी आती रही है बैठ गई। आप सामने देखें ये जो टनल्स बनी हुई हैं, गालिबन ये ऊपर जाने का रास्ता था या जो भी था, लेकिन ये टनल्स, अब ये जो टनल्स हैं
ये अब कम्प्लीटली टनल सारी बंद हो चुकी हैं। अगर इनकी खुदाई की जाए तो यकीनन ये आगे रास्ता जाता हुआ होगा। ये मिट्टी देखें, अब ये सारी मिट्टी अब भर चुकी है इनमें और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं। जैसे अयूबिया में मोनो टनल को डिस्कवर किया गया, उसको काम किया गया, उसको खोला गया, अगर इनको भी खोला जाए तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि इसको भी प्रिजर्व करके इस जगह को, तो इसको एक टूरिस्ट स्पॉट, एक हेरिटेज के तौर पे बनाया जा सकता है। तो साथ साथ चलते हैं आगे, मज़ीद देखते हैं बिल्डिंग। ये देखें जो ये विंडोज़ हैं, ये उस वक्त वेंटिलेशन का कितना अच्छा सिस्टम रखा गया था कि इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। और ये जो दीवारों में छोटे छोटे आपको स्टोन के वो कुछ बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये या तो कुछ सामान रखने के लिए थे या इसके ऊपर वुडन बीम थे और उनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा हुआ होगा, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर बना है वो बता रहा है इस तरह का कुछ। यहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ जो उस वक्त जब यहाँ पे शराब बनाई जाती थी तो वो जो टब था जहाँ पे उसको मिक्स किया जाता था वो अभी भी मौजूद है। ये आपको जो सामने काई नज़र आ रही है ये इसकी बैक साइड पे है अभी यहाँ पे, क्योंकि पानी होगा उसमें शायद, बट वो टब था उस वक्त उसको वहाँ पे शराब को मिक्स किया जाता था। मैं वो भी दिखाता हूँ, आप आगे चलते हैं साथ साथ वो भी दिखाता हूँ। लेकिन ये पिलर्स देखें, आर्चेस देखें, तो ये सारे जो हैं, ये जो ये रूम कमरे थे या जो भी था, ये उनकी पार्टीशन के यहाँ पे जो है ना असरात नज़र आ रहे हैं सारे उसके। अब मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जिसका मैं आपको बता रहा था, ये है वो। आप आए आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो टप, कंक्रीट टप जहाँ पे शराब को मिक्स किया जाता था और स्टोर किया जाता था। जब यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसकी दूसरी साइड पे काई नज़र आती है, काई जमी हुई है। तो इस तरह के बताया जाता है कि इस तरह के टप कुछ नीचे भी थे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स होती थी और फिर जब यहाँ पे जो पाइप्स थे उनके ज़रिए जब नीचे जाती थी तो वहाँ पे फिर स्टोर किया जाता था और फिर बैरल्स में और मुख्तलिफ कैंस में भर के इसको दूर दराज सप्लाई भी किया जाता था। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश आर्मी इस्तेमाल नहीं करती थी इसको, इंडिया तक इसको सप्लाई भी किया जाता था यहाँ पे, क्योंकि ये शराब की सबसे बड़ी फैक्ट्री उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक जनरल थे आर्मी जनरल, उन्होंने कायम की थी। बेसिकली ये फैक्ट्री यहाँ से शुरू होती है, ये इसका टॉप लेवल है और फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये फैक्ट्री, जैसे मैंने आपको दिखाई अपनी वीडियो में कि नीचे वो जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है उस तक ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जाती है। तो वैसे बताया जाता है कि ये फैक्ट्री उस वक्त 700 कनाल पे इसका रकबा था और वक्त गुजरे के साथ साथ यहाँ पे आबादी होती गई और वो कम होता गया। अब मैं इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो आपको नीचे ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो घर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये अब तो घर है लेकिन उस वक्त बताया जाता है कि ये जब ये फैक्ट्री थी तो ये दफातर हुआ करते थे, यहाँ पे उनके दफ्तर थे और जितना भी पेपर वर्क था वो सारा यहाँ पे किया जाता था। जो बिल्डिंग अभी भी मैंने आपको दिखाई वो ये वाली बिल्डिंग है और ये डबल स्टोरी है, ये जो दफातर थे उनके ये डबल स्टोरी हैं और ये आप देखें कि उस वक्त की जो आपको फन तमीर फैक्ट्री में नज़र आएगी वो यहाँ पे ही नज़र आएगी। उसी तरह के आर्च बनी है, उसी तरह का डिज़ाइन इसको बनाया गया है, क्योंकि ये तकसीम है पाकिस्तान और हिंद के बाद यहाँ पे रहना शुरू हो गए थे लोग, इसलिए अभी तक ये कायम और दायम और हमें अपनी काफ़ी असली हालत में नज़र आती है ये। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि पानी के जो सिस्टम था उसको कैसे बनाया गया और फैक्ट्री तक लाया, और ये इसी तरह जो है ना नीचे तक सारा ये नाला जाता है और ये पानी को स्टोर किया जाता है इसको। क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मिट्टी है हर जगह पे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये अगर खुदाई की जाए तो लाजमी यहाँ पे टनल्स भी होंगी और यहाँ पे इस तरह की और भी ऐसी बाकियात होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई। अब जो मैं जगह आपको दिखाने लगा हूँ
ये बताया जाता है कि रिहायशी कमरे थे वहाँ पे, जो लेबर काम करती थी उनको इन कमरों में रिहाइश दी हुई थी अपनी लेबर को गवर्नमेंट ने, और वो यहाँ पे रात करते थे। नज़र आने में तो ये छोटे हैं लेकिन यही पता चलता है कि ये कमरे ही हैं। देखें आप, इसमें कमरा है एक, एक दरवाज़ा है और ये छोटी खिड़कियाँ। तो गालिबन इसमें जो जो रिहाइश थी लोग लेबर्स की वो थी इसमें। तो ये टोटल थोड़े से कमरे भी नज़र आ रहे हैं, बाकी हो सकता है कि वक्त के साथ ख़त्म हो गए हों। इसको आगे से भी दिखाते हैं। तो अभी तो थोड़े से नज़र आ रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये काफ़ी ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ अंदर से एक अब विज़िट करा दूँ आपको, बाकी सब ऐसे ही हैं। इसको किसी ढका गया चादरें वगैरह डाल के, ये ऐसे थे कमरे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको ऊपर जो एक टब दिखाया था कि जहाँ पे शराब को मिक्स किया जाता था, और यहाँ पे ऊपर क्योंकि मिक्स हो के आती थी और यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता था। ये देखें आप, यहाँ पे इसको स्टोर करके, ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और फिर यहाँ पे स्टोर करके फिर बैरल्स में और मुख्तलिफ चीज़ों में भर के इसको सप्लाई किया जाता था।